About the remaining topic of morphological characters of flower. Students, आज हम continue करेंगे अपने इस topic को, वो है floral diagram. Floral diagram की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि the diagram representation of the arrangement of floral leaves on the mother axis of flower is called floral diagram. तो जिस एक्सिस पे फ्लावर जो है वो लगा हुआ है उसको हम कह रहे हैं मदर एक्सिस, ठीक है. और उसके ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट क्या है, वो किस तरह से उसके अंदर सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम मौजूद हैं, उसकी हमने जो डायग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है जिस तरीके से, उसे हम कहते हैं फ्लोरल डायग्राम. तो ये बहुत यूजफुल होती है फॉर द स्टडी ऑफ फ्लावर्स. जब आप फ्लावर्स की स्टडी कर रहे हैं, आपने उसकी डायग्राम बनाई है, तो कोई दूसरा जो है, ठीक है, अगर वो जाके खुद उस फ्लावर को नहीं देखता और जस्ट वो आपकी बनाई हुई डायग्राम को देखे, तो वो समझ जाएगा कि जो फॉर एग्जांपल रोज या पी वॉट एवर जो भी अपने जिस भी उसकी डायग्राम बनाई थी जिस भी फ्लावर की, वो उसको देख के जो है उसको समझ आ जाएगी, अच्छा इस फ्लावर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है और उसके अंदर इतनी सेपल्स हैं, इतनी पेटल्स हैं, इस तरह से एंड्रोशियम और इस तरह से गाइनोशियम मौजूद है, ठीक है. तो अब अगर हम देखें कि किस तरह से हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे. उससे पहले हमारे पास है ड्राइंग ऑफ प्लेन. तो जिस एक्सिस के ऊपर फ्लावर लगता है उसे हम कहते हैं मेन एक्सिस और मदर एक्सिस, और उसकी जो साइड होती हैं, ठीक है, जो कि मदर एक्सिस की तरफ होती हैं, उसे हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं, और जो अवे फ्रॉम द मदर एक्सिस होती हैं उन्हें हम एंटीरियर साइड कहते हैं. और इन लाइन ड्रॉन अक्रॉस द फ्लावर पासिंग थ्रू द मदर एक्सिस एंड द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड मीडियन प्लेन. एक ऐसी लाइन गुजारें आप दरमियान से जो कि फ्लावर के दरमियान से गुजरे और वो मदर एक्सिस के दरमियान से होती हुई जाए, उसे हम कहते हैं उस लाइन को मीडियन प्लेन, ठीक है, दरमियान से जो गुजर रही है. और द लाइन एट राइट एंगल टू दिस प्लेन इज कॉल्ड लेटरल प्लेन. और राइट एंगल पे जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं उसे हम लेटरल प्लेन कहते हैं, और लेटरल प्लेन्स जो हैं वो उन्हें हम डायगोनल प्लेन्स भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर एक्सिस. रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर एक्सिस की बात करें तो मदर एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से, ठीक है, एक डॉट लगाते हैं उससे आप रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा सर्कल भी बना सकते हैं. इन द इंटीरियर पोस्टीरियर प्लांट अबव द डायग्राम आपने मतलब एक डॉट लगाया है, वो मदर एक्सिस को शो करेगा अलॉन्ग द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. उसके बाद आ जाता है ऑड सेपल और ऑड पिटल. द फ्लावर इज लुक्स फ्रॉम द अबव, आपने फूल को ऊपर से देखना है. द पिटल लिंग जस्ट ऑपोजिट द मदर एक्सिस इज कॉल्ड ऑड सेपल्स एंड ऑड पिटल्स. मदर एक्सिस के ऑपोजिट में जो सेपल्स और पेटल्स मौजूद हैं उन्हें आप कहते हैं ऑड सेपल्स और एंड ऑड पेटल्स. और नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स को आप नोट कर लेंगे और उन्हें ड्रॉ करेंगे. उसके बाद आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन डायग्राम. अब आपने सेपल्स और पेटल्स को डायग्राम में किस तरह से ड्रॉ करना है. तो फ्लोरल डायग्राम जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द ऑड सेपल और ऑड पेटल्स से, मतलब वो सेपल्स और पेटल्स जो के ऑपोजिट ऑफ द मेन एक्सिस या यूं कह रहे हैं मदर एक्सिस में मौजूद हैं. द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई ब्रैकेट. आपने जो एग्जैक्ट नंबर है सेपल्स और पेटल्स का, उनको ब्रैकेट्स के फॉर्म में उसको क्या करना है, आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आपने ब्रैकेट्स बनानी है. सेपल्स जो है वो कहाँ पे होती हैं, आउटर सर्कल के अंदर होती हैं, और पेटल्स जो हैं वो इनर सर्कल के अंदर होती हैं. जो आउटर ब्रैकेट्स होंगी वो सेपल्स को शो करेंगी, जो उसके अंदर होंगी वो किसको शो करेंगी, पेटल्स को शो करेंगी. पोली सेपलस एंड पोली पेटलस कंडीशन इज शोन बाय फ्री एंड ऑफ ब्रैकेट. अगर वो ब्रैकेट के एंड फ्री है, इसका मतलब है मतलब सेपल्स की आपने ड्रॉ की हैं उनके एंड फ्री हैं, ज्वाइंटेड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, और पेटल्स आपने ड्रॉ की हैं उनके एंड्स भी फ्री हैं, ज्वाइंट नहीं है, तो इसका मतलब है वो पोली सेपलस या पोली पेटलस है. लेकिन अगर वो आपस में लिंक्ड है, ठीक है, ब्रैकेट्स अगर आपस में लिंक्ड है, इसका मतलब है कि जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, और उनके लिए आप वर्ड यूज करते हो गैमो का, गैमो पेटलस एंड गैमो सेपलस. इस केस में वो कहता है कि इम्ब्रिकेट एक्टिवेशन जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ब्रैकेट्स आपस में ओवरलैप करती हैं. जो इम्ब्रिकेट एक्टिवेशन है उसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो ओवरलैप कर रही होती हैं, ठीक है, मतलब हमने थ्री कंडीशंस पढ़ ली, फ्री, लिंक्ड एंड ओवरलैप. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेमन.
स्टेमंस की अगर हम बात करें तो स्टेमंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम किडनी शेप के अंदर. फिगर जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो मोस्टली आप किडनी शेप के अंदर स्टेमंस को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन अगर एपिपेटलस कंडीशन है तो उसमें क्या होता है कि मतलब जिसमें वो अटैच होगा पेटल्स के साथ, स्टेमंस आर लाइन विद पेटल्स. आप स्टेमंस के दरमियान से एक लाइन गुजारोगे उस किडनी शेप के अंदर से और उसको पेटल्स के साथ लिंक उसका बनाओगे. ठीक है, एक जो है आप लाइन गुजार के उसको पेटल्स के साथ अटैच करवाओगे. तो कहते हैं इन केस ऑफ यूनाइटेड जो है हम पढ़े थे स्टेमंस. तो इन केस ऑफ यूनाइटेड फिलामेंट द किडनी फिगर्स आर ज्वाइन बाई सर्कल. तो आपने क्या करना है, वो जो किडनी फिगर्स हैं उनको आपने क्या कर देना, ज्वाइन करवा देना है. ठीक है, वो जो सर्कल है उसके साथ. नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गाइनोशियम. गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम इज शोन इन द सेंटर ऑफ द डायग्राम. जो सेंटर होगा डायग्राम का उसमें आप गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करेंगे. और ओवरी जो है इज ड्रॉन इन डबल लाइन. ओवरी को डबल लाइन से आपने बनाना है. नंबर ऑफ कार्पल इज इंडिकेटेड बाई कंस्ट्रिक्शन. नंबर ऑफ कार्पल जो है उसकी आपने क्या बनानी है, कंस्ट्रिक्शन बनानी है. जितनी भी होगी, एक होगी तो जस्ट वो एक ही रहेगी सिंगल, दो होंगी तो आप दो कंस्ट्रिक्शन बनाएंगे और इसी तरह से फर्दर. उसके बाद है कि सेप्टा शोन बाई रेडियल लाइन्स. आपने अगर उनके दरमियान में सेप्टा मौजूद है तो उसके लिए भी लाइन ड्रॉ करनी है. ओव्यूल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल राउंडेड फिगर्स. और ओव्यूल जो है वो छोटे छोटे आपने राउंडेड फिगर्स की फॉर्म में शो करनी है. और दे आर अटैच विद प्लेसेंटा, और वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होंगे. अब आप डायग्राम में देख सकते हैं आपके पास फ्लोरल डायग्राम मौजूद है. एक है गैमोपेटलस और बी है एपोकार्पस. गैमोपेटलस अगर आप देखें ऊपर, सबसे ऊपर आपको छोटा सा डॉट नजर आ रहा है जो कि मदर एक्सिस है. बाहर की तरफ सेपल्स मौजूद हैं. ठीक है, अंदर की तरफ जो है वो क्या मौजूद है, पेटल्स मौजूद हैं. और उसके अंदर किडनी शेप में आपके पास एंड्रोशियम है यानी कि स्टेमंस है. और सबसे सेंटर में गाइनोशियम है. आपको अलग अलग जो है आपको नजर आ रहे हैं लोक्यूलाइट ग्रीन नजर आ रहे हैं. आपको उसके अंदर ओव्यूल भी नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो सेम इसी तरह से अगर आप एपोकार्पस का देखें तो उसमें क्या है कि आपस में लिंक्ड है, यानी कि गैमोसेपेलस और गैमोपेटलस है. ठीक है, ए में क्या थे, पॉलीपेटलस और पॉलीसेपेलस थे. और जो बी है उसमें गैमोसेपेलस और गैमोपेटलस है, मतलब कि आपस में लिंक्ड है. तो आपने उसको ड्रॉ कर लिया. फिर उसके बाद जो उसके स्टेमंस हैं वो अटैच हैं, यानी कि एपिपेटलस हैं, मतलब कि वो पेटल्स के साथ अटैच हैं. तो आपने क्या कर दिया, सेंटर से उसको ज्वाइन कर दिया. और दरमियान में जो है उसके वो क्या आ गया, उसके जो है गाइनोशियम आ गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरल डायग्राम. तो फ्लोरल डायग्राम होती कितनी तरह की है. तो फ्लोरल डायग्राम जो है उसकी दो टाइप्स हैं, एम्पिरिकल डायग्राम और थ्योरेटिकल डायग्राम. एम्पिरिकल डायग्राम जो है ये वो डायग्राम होती है जिसके अंदर जो है आप क्या करते हो, द डायग्राम इन विच ओनली दोज पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर इंडिकेटेड विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ए फ्लावर. जो कि फ्लावर के अंदर मौजूद है पार्ट्स वो आपने ड्रॉ कर देने हैं. थ्योरेटिकल डायग्राम में ये होता है कि द डायग्राम इन विच द पार्ट्स ओरिजिनली प्रेजेंट बट नाउ मिसिंग, मतलब कि इस वक्त वो मिसिंग है लेकिन वो फ्लावर का हिस्सा है. ठीक है, तो जब आप इस तरह से डायग्राम जो है तो आप बनाते हो जिसमें आप मिसिंग पार्ट्स को आप डॉट की फॉर्म में शो करते हो. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो मिसिंग पार्ट्स हैं उनको डायग्राम की मदद से दिखाया गया है, वो सॉरी डॉट की मदद से दिखाया गया है. तो इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल डायग्राम. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लोरल फार्मूला. फ्लोरल फार्मूला क्या है कि द शॉर्ट सिंबियोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरल फार्मूला. मतलब कि आप एक छोटी सी ऐसी रिप्रेजेंटेशन बनाएं फ्लोरल, मतलब कि उससे फ्लोरल फार्मूला हम कहते हैं कि जिसको देख के, उस रिप्रेजेंटेशन को देख के आप बता सको कि ये इसकी क्या, इसकी कितनी सेपल्स हैं, कितनी पेटल्स हैं, किस तरह से एंड्रोशियम है, किस तरह से गाइनोशियम है, और क्या ये फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर जाइगोमॉर्फिक है या फिर जो है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है. तो उस रिप्रेजेंटेशन को, उस वो जो भी है क्योंकि जिसको हम स्टडी करने लगे हैं उसे हम कहते हैं फ्लोरल फार्मूला. तो फ्लोरल फार्मूला बनाते वक्त आपको कुछ बातें जो हैं आपने याद रखनी है और ये आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले आप रखते हैं सेक्स ऑफ द फ्लावर. सबसे पहले आपने फ्लोरल फार्मूला में फ्लावर का सेक्स बताना होता है कि वो क्या है. आया वो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होगा तो आप दायरा लगाते नीचे प्लस और ऊपर एरो का साइन बनाएंगे, या फिर आप नीचे प्लस और ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है दोनों तरफ उसमें छोटी सी एक लाइन बनाई है यू शेप. ठीक है,
यूनिसेक्सुअल होगा तो आप जस्ट यूनिसेक्सुअल मेल होगा तो जस्ट आप सर्कल बनाकर उसके ऊपर एरो लगाएंगे, और यूनिसेक्सुअल फीमेल होगा तो सर्कल बनाकर उसके नीचे आपने प्लस का साइन बनाना है। उसके बाद आ जाता है सिमिट्री ऑफ फ्लावर। दूसरे नंबर पे आपने फ्लोरल फार्मूला के अंदर फ्लावर की सिमिट्री बतानी है, ठीक है। और फ्लावर की सिमिट्री आपके पास दो तरह की हो सकती है, या तो फ्लावर एक्टिनोमार्फिक हो सकता है। एक्टिनोमार्फिक मैंने आपको बताया था, अगर आप फ्लावर को क्या करें, मोर देन वन प्लेन से कट करें और वो इक्वली डिवाइडेड हो जाए, इक्वली टू हाफ बने, तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। और ऐसा फ्लावर जिसे आप जस्ट एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें तो उसे हम कहते हैं जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक को जब आपने रिप्रेजेंट करना है फ्लोरल फार्मूला के अंदर तो आपने एक सर्कल बना के उसके अंदर प्लस का साइन बना देना है। जाइगोमार्फिक का आपने क्या करना है कि जैसे ये आप देखते हैं क्रिश्चियंस का होता है, ठीक है, साइन तो एक थोड़ा सा बड़ा और एक उसके ऊपर छोटा सा छोटी सी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, प्लस की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं जाइगोमार्फिक। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेपल्स। सेपल्स की बात करें तो उसमें आपके पास आ जाएंगे कैलेक्स आ जाएंगे। कैलेक्स को आपने के की उससे फॉर्म मतलब के लिख के प्रेजेंट करना है। अगर तो वो कैलेक्स जो है वो फ्री हैं तो के लिख के और आगे उनके नंबर बता देने हैं, जितनी भी हैं वो 4, 5, 6 व्हाटएवर। और अगर वो आपस में फ्यूज्ड हैं तो के लिख के ब्रैकेट के अंदर उनका नंबर लिखना है, ठीक है। ये आपने बातें याद रखनी है फ्लोरल फार्मूला लिखते वक्त। उसके बाद आ जाता है पेटल्स। पेटल्स को भी सेम उसी तरह से है, पेटल्स में आपके पास क्रोला आ जाएगा। क्रोला को आपने सी से शो करना है, ठीक है, सी के आपने यानी लिख के उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपके पास जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं तो सी लिख के आगे उनका नंबर लिख देना है, और अगर वो आपके पास फ्यूज हैं तो सी लिख के ब्रैकेट के अंदर उनका नंबर लिखना है, ठीक है, यानी कि अगर वो गैमो पेटल्स हैं। उसके बाद आ जाता है पेरियंथ। पेरियंथ अगर प्रेजेंट है तो उसको आपने क्या करना है, अगर वो पॉलीफाइलस है पेरियंथ को आपने पी से रिप्रेजेंट करना है, अगर वो पोलियोफाइलस है तो यानी कि फ्री है तो पी और आगे उसका नंबर, और अगर वो गैमोफाइलस है तो पी और ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर, यानी कि अगर वो फ्यूज्ड है, फ्री होगा तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप नंबर लिखते वक्त, और अगर फ्यूज्ड होगा तो आप नंबर लिखते वक्त ब्रैकेट लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टेमन। स्टेमन में आपके पास एंड्रोशियम आएगा। एंड्रोशियम को आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ठीक है, और अगर एंड्रोशियम फ्री है तो सेम उसी तरह से ए और आगे उसका नंबर, और अगर एंड्रोशियम फ्यूज्ड है तो ए और ब्रैकेट में उसका नंबर। और अगर वो एपिपेटलस है यानी कि एंड्रोशियम अटैच है किसके साथ, क्रोला के साथ, तो फिर जो है आप क्या करोगे कि पहले सी फिर कॉमा लगा के ए लिखोगे फिर आगे उसका नंबर लिखोगे जो भी है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 7 नंबर पे कार्पल। कार्पल आपके पास क्या है, कार्पल में आपके पास गाइनोशियम आता है जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हो, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। और अगर आपके पास एफो कार्पस है यानी कि मोर देन वन फ्री कार्पल है तो जी और आगे उनके नंबर, और अगर आपके पास वो मोर देन वन फ्री कार्पल जो है सॉरी वो जो कार्पल है मोर देन वन कार्पल वो फ्यूज है तो आप जी और ब्रैकेट में उनका नंबर आ जाएगा। अगर जो है वो क्या है कि ओवरी जो है वो क्या है यूं कह लें कि सुपीरियर है तो जी लिख के लाइन नीचे की तरफ आएगी, और अगर इंफीरियर है तो जी लिख के लाइन ऊपर की तरफ आएगी, एक लाइन आपने ऊपर की तरफ लगानी है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से दिखाई गई है फ्लोरल फार्मूला की, कि फ्लोरल फार्मूला रोज दिया गया है पहले, जिसमें सबसे पहले जो है हमने कहा था, इन्होंने वैसे सबसे पहले हमने कहा था सेक्स बताना है, इन्होंने यहाँ पे सिमिट्री बता दी है, ठीक है, चलिए हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो सिमिट्री इन्होंने बताई है कि आप क्या है एक्टिनोमार्फिक है यानी कि मोर देन वन प्लेट से कट किया हुआ है, और पी के अंदर क्या है कि जाइगोमार्फिक है। अगर हम इनका सेक्स देखें तो ये दोनों ही बाइसेक्सुअल हैं। और सब उसके बाद आ जाती हैं सेपल्स। सेपल्स में हमारे पास जो है हमने कहा था उसको हम कैलेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे के से, तो इसकी क्या है गैमोसेपल्स हैं और 5 इन नंबर हैं तो ब्रैकेट में 5 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रोला। क्रोला जो है 5 और आगे माइनस का साइन लगा के जो है ए लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटी का साइन है यानी कि 5 से फर्दर जितनी मर्जी हो सकती है। इसी तरह से एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की उन्होंने ब्रैकेट के अंदर जो है इन्फिनिटी का साइन डाला है कि इन्फिनिटी हो सकते हैं और होंगे वो फ्यूज्ड यानी कि गैमो एंड्रोशियम होंगे। और इसी तरह से जो है वो गाइनोशियम का है। फ्लोरल फार्मूला पी देखें तो इसमें क्या है वो जाइगोमार्फिक है और बाइसेक्सुअल है, उसका जो कैलेक्स है वो 5 उसी तरह से, और जो इसका क्रोला है
एज जो है सबसे पहले बाहर वाली यानी कि पेटल, फिर अंदर दो, और फिर उसके बाद जो अंदर वाली दो हैं वो क्या होंगी, फ्यूज होंगी आपस में फर्दर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आप देखने की तरह से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ ही हमारा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स जो है ये कम्प्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।